आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि कहता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। सबसे पहले हम समझेंगे ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है। एक इलस्ट्रेशन को हम पहले समझेंगे, और यदि ये इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये पूरा सेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरा ए परचेज अ प्रॉपर्टी। ए एक प्रॉपर्टी खरीदता है एंड मेड रजिस्ट्री इन द नेम ऑफ बी, और उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री बी के नाम से करवाता है। अब देखो, अगर हम देखें ऑन पेपर, क्योंकि रजिस्ट्री बी के नाम से हुई है तो ऑन पेपर बी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बी क्या है? प्रॉपर्टी का ओनर है। ठीक, ओके। अब कह रहे हैं बी जो है ट्रांसफर करता है उस प्रॉपर्टी को विथ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ किसको? सी को। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि सी जो है बिफोर परचेज, यानी इस प्रॉपर्टी को बी से परचेज करने से पहले हैज टेकन ड्यू केयर, ये पूरा रिसर्च कर रहा है, पता लगा रहा है कि बी जो प्रॉपर्टी मुझे बेच रहा है क्या वो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, क्या उसके पास ट्रांसफर करने का राइट है। अब चूंकि आप देखो ऑन पेपर बी सीम्स टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इसलिए बी क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी परचेज कर ले रहा है उस पर बिलीव करके, एक्टेड इन गुड फेथ। अब अगर कल को मिस्टर ए, क्योंकि ही इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये क्लेम करना चाहते हैं तो ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, डॉक्ट्रीन ऑफ इक्विटी एंड डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डॉक्ट्रीन ऑफ इक्विटी क्या है। सेक्शन 41 कहता है अगर ट्रांसफरी ने, और इस केस में ट्रांसफरी कौन है? मिस्टर सी। अगर ट्रांसफरी ने ड्यू केयर फॉलो किया था और गुड फेथ में एक्ट किया था तो इसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसलिए यहां पे क्या होगा, डॉक्ट्रीन ऑफ इक्विटी एप्लीकेबल हो जाएगा और मिस्टर ए अपने प्रॉपर्टी को मिस्टर सी से रिवर्ट बैक नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट विल बी एप्लीकेबल। अब देखो क्योंकि मिस्टर ए ने खुद अपने आप को आउट किया था टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑन पेपर इन्होंने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी का ओनर बनाया था, तो क्योंकि यू हैव एक्सक्लूडेड योरसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इसलिए यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स यही है पूरा आपका सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए, तो एक बात तो क्लियर है, हु इज द ऑस्टेंसिबल ओनर? एक ऐसा पर्सन जिसे देख करके लगे कि ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और हु सीम्स टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नोन एज ऑस्टेंसिबल ओनर। देखो क्या कह रहा है, ऑस्टेंसिबल ओनर, व्हेन अ पर्सन, जब एक पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका इंटरेस्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब देखो यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताया गया, यानी ये जो सेक्शन है वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जब एक पर्सन जिसका इंटरेस्ट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्सप्रेसली यानी बाय वर्ड्स या इम्प्लाइडली बाय एक्शन, गिव्स इट्स कंसेंट, अपना कंसेंट देता है, जैसे मिस्टर ए ने यहां पे अपना कंसेंट दिया था। किसको दिया था? मिस्टर बी को, और मिस्टर बी मिस्टर ए के कंसेंट पे एक्ट कर रहे थे, तो जो पर्सन जिसके कंसेंट पे एक्ट करेगा उसे हम कहेंगे ऑस्टेंसिबल ओनर। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं ये ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर क्या है। देखो
मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि वो पर्सन जिसके पास आउटरेजियस इनकम होता है या जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, वो अपने ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए वो क्या करता है, अपने इनकम से किसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है और उस प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री है वो किसी थर्ड पर्सन के नाम कर देता है ताकि देखने में लगे कि वो उस प्रॉपर्टी का क्या है, ओनर है और ये टैक्स से अपने आप को एग्जाम्प्ट कर ले। ठीक है, तो इसलिए ये है आपका पूरा ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। अब देखो सेक्शन 41 क्या कहता है उसे हम समझते हैं। सेक्शन 41 को यहां पे एकदम सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है, समझते हैं। देखो कह रहा पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। विथ हिज कंसेंट, अपने कंसेंट से एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड यानी बाय वर्ड्स और बाय एक्शन, मेक्स अनदर पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उस प्रॉपर्टी का ओनर बनाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री उसके नाम से हो गया तो ही बिकम्स ओनर, मेक्स अनदर पर्सन ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब आगे कह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्टेंसिबल ओनर कहेंगे। ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, ऑस्टेंसिबल ओनर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है कंसिडरेशन के लिए। आगे कह रहा है ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल, जो ट्रांसफर है वो वॉइडेबल नहीं होगा, शैल नॉट वर्ड यहां पर यूज किया गया। ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट, तो जो ट्रांसफर है वी के द्वारा वो इस ग्राउंड पे वॉइडेबल नहीं होगा कि बी के पास राइट नहीं था प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, कह रहा है ट्रांसफर वॉज नॉट ऑथराइज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफर वॉज नॉट ऑथराइज टू ट्रांसफर। इस केस में ट्रांसफर कौन था, बी था। ठीक है, अब आगे कह रहा है इफ ट्रांसफरी, यदि जो ट्रांसफरी है हैज टेकन ड्यू केयर, यानी इसने रिसर्च किया है, इसने पता लगाया है और बाद में इसे पता लग रहा है कि यस जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है वही क्या है, रियल ओनर है और इस बात पे ये विश्वास कर ले रहा है एंड एक्टेड इन गुड फेथ और प्रॉपर्टी को यदि परचेज कर लिया है तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो वॉइडेबल नहीं होगा। यही होता है आपका सेक्शन 41 जो कि कहता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, यानी अगर ऑस्टेंसिबल ओनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है और ट्रांसफरी ने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है विद कंसिडरेशन तो जो ट्रांसफर है वो वॉइडेबल नहीं होगा। चलिए अब देखो, आई होप सेक्शन 41 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए कुछ और बातों को हम समझ लेते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ सेक्शन 41, सेक्शन 41 के कुछ फीचर्स हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे देखो अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफरी के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, दूसरा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, तीसरा एप्लीकेबल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, एप्लीकेबल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। और चौथा कहता है एक्सेप्शन ऑफ मैगजीन, एक्सेप्शन ऑफ मैगजीन नेमो दैट को नॉन हैबिट। देखो ये मैगजीन क्या कहता है, ये मैगजीन कहता है अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग बेटर टाइटल कैनॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, यानी एक पर्सन जिसके पास बेटर टाइटल नहीं है यानी हु इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब देखो ये सेक्शन क्या है, इस मैगजीन का एक्सेप्शन है। इन एक्चुअली
ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ए क्या था, रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी था, बी तो केवल अपेरेंट ओनर था, यानी ऑन पेपर ही इज ओनली द ओनर। तो अगर ये रियल ओनर नहीं है तो यानी इसके पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी मिस्टर सी को। इसलिए ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या है, नेमो दैट हुओ नॉन हैबिट मैक्सिम का एक एक्सेप्शन है। क्लियर, चलिए अब देखो, पहले क्या था, जो भी जमींदार हुआ करते थे वो प्रॉपर्टी को परचेज करते थे और टैक्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पे रजिस्ट्री करवा दिया करते थे, और ये ट्रांजेक्शन बड़े स्केल पे होता था। इस चीज को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 लाया गया। जब आप सेक्शन 41 को लिखोगे तो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 को भी शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 इस एक्ट को लाया गया, और वो सभी ट्रांजेक्शन जिसमें एक पर्सन प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है लेकिन दूसरे पर्सन के नाम पे रजिस्ट्री करवा रहा है, तो ये जो एक्ट था इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, और जो पर्सन ऐसा करता है उसको उसको पनिशमेंट के प्रावधान इस एक्ट में जोड़े गए। लेकिन बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 के एक्सेप्शन भी कुछ हैं, जैसे अगर आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाते हो अपने वाइफ के नाम या अपने अनमैरिड डॉटर के नाम, तो वो क्या होगा, वो वैलिड होगा, ठीक है। चलिए अब एट लास्ट हम समझते हैं हु कैनॉट बी द ऑस्टेंसिबल ओनर, किसे हम ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। देखो कहता है एवरी पर्सन कैन बिकम ऑस्टेंसिबल ओनर। देखो सभी पर्सन जो है ऑस्टेंसिबल ओनर हो सकते हैं, एक्सेप्ट पहला माइनर, माइनर नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा कहता है सर्वेंट नहीं हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का केयर टेकर भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं हो सकता है, गार्जियन नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई प्रोफेस्ड एजेंट, यानी कोई एजेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम करता है, तो वो भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं कहलाएगा। कोई सिंपल एजेंट भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं होगा, और ट्रस्टी, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने समझा ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है, हमने सेक्शन 41 को एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा, उसके फीचर्स को हमने समझा, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 को भी देखा, और हमने देखा कि कौन कौन ऑस्टेंसिबल ओनर की कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर आपसे सेक्शन 41 लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आप ये सारे पॉइंट्स को वहां पे जाकर के बता दो। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में सेक्शन 41 आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।